सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। और सुबह के बज चुके हैं 8 और हम आए हैं खेत में हल लगाने। आप देख सकते हैं ये मैंने हल लेके जा रहा हूँ खेत पे। और अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं उत्तराखंड के कुछ कल्चर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा कि यहाँ पे किस तरीके से हल लगाया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, ये है वो खेत जिसमें हम अभी हल लगाने वाले हैं, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं इस खेत में गोबर के कुछ ढेर हैं, उन्हें हम पहले अच्छे से खेत में मिक्स कर लेते हैं ना, खेत में फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए और हम इसमें जो भी बोएं वो अच्छे से उग जाए, है ना। तो हम सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से फैला लेते हैं। दोस्तों, ये बुताई का सीज़न है तो हमें जो कुछ भी इसमें बोना है हम सबसे पहले उसे ऊपर से फैला देंगे ताकि मिट्टी के साथ वो अच्छे से फैल जाए, और उसके बाद हम फिर इसमें बुताई करेंगे, है ना। तो चलिए पहले इस काम को कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इसमें बुताई की शुरुआत कर दी है। और हमारे उत्तराखंड में ये नियम होता है कि हम खेत में जब भी हल लगाते हैं तो सबसे पहले नीचे की साइड से लगाते हैं, ना। और हमारे यहाँ पे ना बैलों को दो कमांड के माध्यम से ऊपर और नीचे भेजा जाता है, ठीक है। यदि हमें बैलों को नीचे की साइड करना होता है तो हम कहते हैं दो दो दो, है ना। और यदि हमें बैलों को बोलना हो कि ऊपर की साइड चलो तो बो बो कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो है ना काफ़ी मज़े की बात, आप आगे देखते जाइए, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा।